रीवा में हमारी कैंपेन शुरू हुई है। वैसे रीवा में पहले अरविंद जी और मैं भी आ चुके हैं, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद आज पहला दिन है, 17 नवंबर का दिन है। मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। पिछली बार भी उन्होंने परिवर्तन के लिए वोट दिया था, लेकिन उस परिवर्तन को एक और परिवर्तन में परिवर्तन कर दिया गया। मतलब कांग्रेसियों को हृदय परिवर्तन करवा के उन्होंने अपनी तरफ कर लिया, तो ये लोकतंत्र की हत्या थी। तो ये लोगों के पास एक मौका आता है 5 साल में, तो मध्य प्रदेश की जनता बहुत सब्र से उस दिन का इंतज़ार कर रही थी। 17 नवंबर वो दिन है जब मध्य प्रदेश के लोग जाएंगे और एक बड़ा परिवर्तन, जैसे दिल्ली और पंजाब में हुआ है, ऐसा परिवर्तन करेंगे कि विधायकों को बिकने के लिए या फिर उनको इधर उधर हृदय परिवर्तन के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो आज मैं सीधी गया था, आज चौहाट विधानसभा में और रीवा में आया हूँ। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में आते रहेंगे और पंजाब और दिल्ली का जो शासन है उसकी अच्छी अच्छी बातें जो लोगों को महसूस हो रही हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, इलाज, ये सब बातें, हम रोज़गार सब बताते रहेंगे। हमारा फर्ज बनता है कि हम जो जोत हमने पंजाब और दिल्ली में जगाई है उस जोत से पूरे देश में हम और चिराग जगाएं। सर, संजय जी को जेल भेज दिया गया, ये इनकी फितरत है, जहाँ जनता साथ नहीं देती वहाँ ईडी यूज करते हैं। तो संजय सिंह को जेल भेज दिया गया, जिन्होंने स्कूल बनाए, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, जिन्होंने अस्पताल बनाए, सतेंद्र जैन को जेल भेज दिया। तो इनको लगता है शायद ये नेताओं की पार्टी है, आम आदमी पार्टी लोगों की पार्टी है, कितने नेताओं को अंदर करोगे। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएं, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। कितने कितने नेता हमारे जो हैं वो ये जेल में देंगे। संजय सिंह के लिए जेल कोई नई बात नहीं है, संजय सिंह सुल्तानपुर के फुटपाथ पर बैठे लोगों को हेल्प करते थे। तो संजय सिंह का दिल फुटपाथ से शुरू हुआ है, इनकी तरह नहीं है कि वे एक देश एक दोस्त सिर्फ एक ही बंदे को, क्योंकि संजय सिंह राज्यसभा में बोलते थे कि मोदी अडानी भाई भाई, तो ये बात उनसे उनको रास नहीं आई। तो इसलिए हम कह रहे हैं एक देश एक दोस्त, एक ही दोस्त को सब कुछ लुटा दिया। ये भी तो दुकानदार हैं, इन्होंने भी तो काम करना है। तो ये आने वाले जो 24 के चुनाव में भी और मध्य प्रदेश के विधानसभा, छत्तीसगढ़ के विधानसभा, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जनता जो है वो इनको ट्रेलर दिखाने वाली। आप आपकी पार्टी को महसूस हो रही है, बिजली, पानी, शिक्षा, इलाज, ये सब बातें, हम रोजगार सब बताते रहेंगे। हमारा फर्ज बनता है कि हम जो जोत हमने पंजाब और दिल्ली में जगाई है उस जोत से पूरे देश में हम और चिराग जगाएं। इनकी फितरत है, जहाँ जनता साथ नहीं देती वहाँ ईडी यूज करते हैं। तो संजय सिंह को जेल भेज दिया गया, जिन्होंने स्कूल बनाए, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, जिन्होंने अस्पताल बनाए, सतेंद्र जैन को जेल भेज दिया। तो इनको लगता है शायद ये नेताओं की पार्टी है, आम आदमी पार्टी लोगों की पार्टी है, कितने नेताओं को अंदर करोगे। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएं, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। कितने कितने नेता हमारे जो हैं वो ये जेल में देंगे। संजय सिंह के लिए जेल कोई नई बात नहीं है, संजय सिंह सुल्तानपुर के फुटपाथ पर बैठे लोगों को हेल्प करते थे। तो संजय सिंह का दिल फुटपाथ से शुरू हुआ है, इनकी तरह नहीं है कि वे एक देश एक दोस्त सिर्फ एक ही बंदे को, क्योंकि संजय सिंह राज्यसभा में बोलते थे कि मोदी अडानी भाई भाई, तो ये बात उनसे उनको रास नहीं आई। तो इसलिए हम कह रहे हैं एक देश एक दोस्त, एक ही दोस्त को सब कुछ लुटा दिया। ये भी तो दुकानदार हैं, इन्होंने भी तो काम करना है। तो ये आने वाले जो 24 के चुनाव में भी और मध्य प्रदेश के विधानसभा, छत्तीसगढ़ के विधानसभा, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जनता जो है वो इनको ट्रेलर दिखाने वाली है। हमारी कैंपेन शुरू हुई है। वैसे रीवा में पहले अरविंद जी और मैं भी आ चुके हैं, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद आज पहला दिन है, 17 नवंबर का दिन है। मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। पिछली बार भी उन्होंने परिवर्तन के लिए वोट दिया था, लेकिन उस परिवर्तन को एक और परिवर्तन में परिवर्तन कर दिया गया। मतलब कांग्रेसियों को हृदय परिवर्तन करवा के उन्होंने अपनी तरफ कर लिया।
तो ये लोकतंत्र की हत्या थी। तो ये लोगों के पास एक मौका आता है 5 साल में, तो मध्य प्रदेश की जनता बहुत सब्र से उस दिन का इंतजार कर रही थी। 17 नवंबर वो दिन है जब मध्य प्रदेश के लोग जाएंगे और एक बड़ा परिवर्तन, जैसे दिल्ली और पंजाब में हुआ है, ऐसा परिवर्तन करेंगे कि विधायकों को बिकने के लिए या फिर उनको इधर उधर हृदय परिवर्तन के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो आज मैं सीधी गया था, आज चौहाक विधानसभा में और रीवा में आया हूँ। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में